हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है। और इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.5 10 में से रेटिंग दी है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन, और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन दी रॉक के रोल में, और दी केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डीगो लूना, थॉमस मेडिलडीचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगैन, जोना रेज, और इसमें म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, सेवन बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स। और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई, और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में, और किट मैकिनॉन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटरी केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स, बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलेन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर के रोल में, और डैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविता निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मैन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द सेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिस एज ब्लैक केटन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैबोर्डर क्रिएटर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लर्क केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं।
जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोच करके क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है। क्लर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्सकॉर्प के CEO लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लुलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीस पे करना होगा तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिए है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन द रॉक के रोल में और द केविन हार्ट, केट मैकिनन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मेडिलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज और इसमें म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैंकेंट के रोल में और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में और किट मैकिनन एस लूलू के रोल में और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में और क्लर्क केंट के रोल में और सुपरमैन के रोल में और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में और नताशा लायन एज अ मेरटन मैक्सनॉर्टेल के रोल में और टेरिफिक वार्टिस के रोल में और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वंडर वुमन के रोल में
और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी, और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन, और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन, और साइबोर्ग के रोल में, और दैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज, और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ई आई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ई आई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइस्कर के रोल में, और डेविड प्रिस्मन एज अ कोरिक वेट कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द सेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनिक और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केतन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर क्रीटवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और कलर केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लार्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं, जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर कि क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लार्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। इस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है, जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्स कार्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लूलू लेक्स कार्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिटोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है, और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को, यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स, इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये, यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें, और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है, और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिया है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैड स्टेरेन, और इस मूवी को लिखे हैं जैड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेरम गैरिका, जैड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन
जॉनसन द रॉक के रोल में, और द केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मेडिलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगैन, जोना रेज, और इसमें भी म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन्स्काई, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, सेवन बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज इस बैटहाउंड के रोल में, और किट मैकिनॉन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबॉर्ग के रोल में, और दैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द शेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केटेन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर क्रिएटर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लर्क केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैनेट में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्सकॉर्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लूलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है।
उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है। और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है। और इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.5/10 में से रेटिंग दिए है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेरम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन दी रॉक के रोल में, और दी केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मैडेलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स। और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में, और किट मैकिनॉन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स, बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर्ग के रोल में, और डैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मैन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द शेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनिक और
और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक के थे इनके रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर क्रीटवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लार्क केंट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लार्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लार्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्सकॉर्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लुलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिटोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है, और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है, और इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.5/10 में से रेटिंग दिया है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन, और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हैरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन द रॉक के रोल में, और द केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मैडेलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
$178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में और किट मैकिनन एस लूलू के रोल में और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में और क्लर्क केंट के रोल में और सुपरमैन के रोल में और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में और नताशा लायोन एज अ मेरटन मैक्सनॉर्टेल के रोल में और टेरिफिक वार्टिस के रोल में और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडलडिच एस केथ के रोल में और जूलिया मॉरिस एस पॉटरी केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स बेन स्कीवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में और जॉन अर्ली एज बैरी एलन और द फ्लैश के रोल में और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर के रोल में और दैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में और लियाना हैडी एज लारा के रोल में और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए और डेविड प्रिस्मैन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द शेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में और गेविन मैक्रिस एज ब्लैक केथेन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैबरोडर रिट्रीवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लर्क केंट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्सकॉर्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लूलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है जो उसे उड़ाने और टेलीकिनेसिस देता है। उससे अनजान आश्रम में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स आपको इस मूवी को देखने के लिए
499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है, और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिया है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो कि बेस्ड है DC के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन, और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि DC से है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन, द रॉक के रोल में, और द केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मैडेलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, DC इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में, और किट मैकिनॉन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और कलर केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स, बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलेन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर के रोल में, और दैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मैन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द सेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केटेन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर रिट्रीवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप
पांड में जाते हैं और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लार्क केंट के तहत महान नगर शहर में रहते हैं। क्लार्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लार्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्सकॉर्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लुलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है जो उसे उड़ाने और टेलीकिनेसिस देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है और इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.5/10 में से रेटिंग दिए है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन, द रॉक के रोल में और द केविन हार्ट, केट मैकिनन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मैडेलडिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज और इसमें म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में और किट मैकिनन एस लूलू के रोल में और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में और क्लार्क केंट के रोल में और सुपरमैन के रोल में और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में और नताशा लायन एज अ मेरटन मैक्सनॉर्टेल के रोल में और टेरिफिक वार्टिस के रोल में और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में
और जूलिया मॉरिस एज पॉटरी केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स बेन स्कीवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर के रोल में, और डैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ई आई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में, और डेविड प्रिस्मैन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द शेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिस एज ब्लैक केटन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर रिट्रीवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और कलर्क केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। कलर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, कलर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्स कार्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लुलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है, और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो, और फ्रेंड्स आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है, और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिए है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक
सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी की है, डीसी से है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हैरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन द रॉक के रोल में, और द केविन हार्ट, केट मैकिनन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मैडेलडिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज, और इसमें भी म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन्स्काई, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, सेवन बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैंकेंट के रोल में, और केविन हार्ट एज इस बैट हाउंड के रोल में, और किट मैकिनन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स, बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबॉर्ग के रोल में, और डैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द सेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनिक और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केथेन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर क्रिएटर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लर्क केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैनेट में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। इस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्स कार्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ
बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लुलु लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिटोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है। और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है। और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिया है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन, और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेरम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन द रॉक के रोल में, और द केविन हार्ट, केट मैकिनन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मैडेलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज, और इस मूवी म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोनस्काई, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स। और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई, और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में, और किट मैकिनन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स, बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविस एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबॉर्ग के रोल में, और डैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ई
आई के रोल में, और लियाना हैडी एस लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एस फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एस कार्ल के रोल में, और पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में, और डेविड प्रिस्मन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द शेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केथन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर क्रिएटर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लार्क केंट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लार्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैनेट में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लार्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्स कार्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लुलु लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है, और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें, और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है, और इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.5/10 में से रेटिंग दिए है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन, और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन दी रॉक के रोल में, और दी केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मैडेलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज, और इसमें म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई,
और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, सेवन बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स। और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज इस बैट हाउंड के रोल में, और किट मैकिनोन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायोन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटरी केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स, बेन स्कीवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर्ग के रोल में, और डैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मैन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द शेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केथेन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर क्रीटवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लर्क केंट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटेन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्स कार्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लूलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिटोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है, और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको
इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है, और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हैरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन, द रॉक के रोल में और द केविन हार्ट, केट मैकिनन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मैडेलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज इस बैट हाउंड के रोल में, और किट मैकिनन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलेन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर के रोल में, और दैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मैन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द शेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिस एज ब्लैक केथेन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया
ब्लैबरोडर रिट्रीवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लार्क केंट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लार्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैनेट में एक रिपोर्टर और पत्रकार है और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की जरूरत है, क्लार्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्सकॉर्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लुलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है जो उसे उड़ाने और टेलीकिनेसिस देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है और इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.5/10 में से रेटिंग दिया है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हैरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन, द रॉक के रोल में और द केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मेडिलडीचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में और केविन हार्ट एज एस बैट हाउंड
के रोल में, और किट मैकिनन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायोन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वॉर्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटरी केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स, बेन स्कीवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वुमन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर के रोल में, और दैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द सेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केटेन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर रिट्रीवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लर्क केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटेन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्स कार्प के सीईओ लेक्स क्लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लूलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिटोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रम में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है, और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे वीडियोस में बने रहें, और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में।
तो दोस्तों ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है। और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिए है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों DC लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है DC के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन, और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेराम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन दी रॉक के रोल में, और दी केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डीगो लूना, थॉमस मेडिलडीचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगैन, जोना रेज, और इसमें भी म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन स्काई। और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, DC इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स। और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई, और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई। और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में, और किट मैकिनॉन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटरी केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स, बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलेन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबोर के रोल में, और डैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविता निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ई आई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मैन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द सेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनी और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिस एज ब्लैक केटन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर रिट्रीवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लर्क केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं, जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है।
यह सोच करके क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है। क्लर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्सकॉर्प के CEO लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लुलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिप्टोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि DC लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि ₹499 पे करना होगा तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DC लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिए है और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों DC लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो कि बेस्ड है DC के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि DC से है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हैरम गैरिका, जैरड स्टर्न और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन जॉनसन द रॉक के रोल में और द केविन हार्ट, केट मैकिनन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मेडिलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगन, जोना रेज और इसमें म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन्स्काई और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, DC इंटरटेनमेंट, 7 बक्स प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैंकेंट के रोल में और केविन हार्ट एज एस बैटहाउंड के रोल में और किट मैकिनन एस लूलू के रोल में और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में और क्लर्क केंट के रोल में और सुपरमैन के रोल में और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में और नताशा लायन एज अ मेरटन मैक्सनॉर्टेल के रोल में और टेरिफिक वार्टिस के रोल में और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वुमन के रोल में
और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी, और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलन, और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन, और साइबोर्ग के रोल में, और दैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज, और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ई आई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ई आई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइस्कर के रोल में, और डेविड प्रिस्मन एज अ कोरिक वेट कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द सेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनिक और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केतन के रोल में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर क्रीटवर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और कलर केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लार्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैनेट में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं, जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर कि क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लार्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। इस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है, जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्स कार्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लूलू लेक्स कार्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिटोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है। उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है, और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को, यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स, इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये, यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें, और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2022 की एडवेंचर एंड साइंस एंड फिक्शन मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट की है, और इस मूवी को IMDb ने 7.5/10 में से रेटिंग दिया है, और इसे 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो दोस्तों, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स ये 2022 की अमेरिकन 3D कंप्यूटर एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, जो कि बेस्ड है डीसी के कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जैरड स्टेरेन, और इस मूवी को लिखे हैं जैरड स्टेरेन, जॉन वाइटिंगटन, और ये मूवी बेस्ड है कैरेक्टर्स जो कि डीसी से है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं पैट्रिका हिक्स, डॉन जॉनसन, डेनी गैरिका, हेरेरम गैरिका, जैरड स्टर्न, और इस मूवी के स्टारिंग है डॉन
जॉनसन द रॉक के रोल में, और द केविन हार्ट, केट मैकिनॉन, जॉन करेंसकी, वैनिसा बेयर, नताशा लायन, डिएगो लूना, थॉमस मेडिलडिचिक, बेन स्केवर्ट्स, कियोना रिव्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि एनिमेटेड मूवी में स्टारिंग जो होती है वो वॉइस ओवर की होती है, बाकी सब तो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को एडिट किए हैं डेविड ईगैन, जोना रेज, और इसमें भी म्यूजिक दिए हैं स्टीव जेबेलोन्स्काई, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है वार्नर एनिमेशन ग्रुप, डीसी इंटरटेनमेंट, सेवन बक्स प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, और यह मूवी 27 जुलाई 2022 को लॉस एंजलिस में रिलीज हुई और 29 जुलाई 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 105 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जो कि $90 मिलियन के बजट से बनी है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $178.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की वॉइस कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इसमें डॉन जॉनसन एज द रॉक के रोल में नजर आए, क्रिप्टो सुपर डॉग बैरन केंट के रोल में, और केविन हार्ट एज इस बैटहाउंड के रोल में, और किट मैकिनॉन एस लूलू के रोल में, और जॉन करेंसकी एस काल ई के रोल में, और क्लर्क केंट के रोल में, और सुपरमैन के रोल में, और वैनिसा बेयर एस पीबी के रोल में, और नताशा लायन एज अ मेरटोन मैक्सनॉर्टेल के रोल में, और टेरिफिक वार्टिस के रोल में, और डियागो लूना एस चिप के रोल में, थॉमस मिडिलडिच एस केथ के रोल में, और जूलिया मॉरिस एस पॉटर केथ के रोल में ऑस्ट्रेलिया के वर्जन में। तो फ्रेंड्स बेन स्केवर्ट्स एज मार्क के रोल में नजर आए, और कियानो रेविज एज ब्रूस वैन और बैटमैन के रोल में, और मार्क मैरोन एज लेक्स लूथर के रोल में, और ओलिवा विल्डी एज लोस लेन के रोल में, और जेमिला जमील एज डियाना प्रिंस और वंडर वोमेन के रोल में, और जैमिना क्लेमेंट एज आर्थर करी और एक्वामैन के रोल में, और जॉन अर्ली एज बैरी एलेन और द फ्लैश के रोल में, और डेविड डिक्स एज विक्टर स्टोन और साइबॉर्ग के रोल में, और डैच पोलैंको एज जेसिका क्रूज और ग्रीन लैंटर्न के रोल में, और किथ डेविड एज डॉग ईआई के रोल में, और माया एरिस्किन एज मर्सी ग्रेव्स के रोल में, और यविटा निकोली ब्राउन एज पैटी के रोल में, और अल्फ्रेड मोलियाना एज जोर ईआई के रोल में, और लियाना हैडी एज लारा के रोल में, और बीजी फिलिप्स एज फूफी डॉग के रोल में, और डैन फॉल्गर एज कार्ल के रोल में, पायलट के रोल में, और रेसर के रोल में। और फ्रेंड्स हमें इस मूवी में विनोन ब्राट्सा एज वाइसकर के रोल में नजर आए, और डेविड प्रिस्मन एज अ कॉरिक वेटिंग आउटसाइड द शेल्टर विद क्रिप्टो के रोल में, और मोनिक और फ्रेंड्स माइकेला मॉर्गन एज मैक सूट के रोल में, और अमांडा एमएस एज योना पैग्स के रोल में, और गेविन मैक्रिल्स एज ब्लैक केटेन के रोल में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रिप्टन ग्रह के विनाश के दौरान एक क्रिप्टोनिया ब्लैक ब्रोडर क्रिएटर साथी शिशु उत्तरजीवी कल एल को आराम देता है, क्योंकि वे पृथ्वी की ओर एक एस्केप पांड में जाते हैं, और वर्षों बाद अब प्रसिद्ध सुपर हीरो क्रिप्टो और सुपरमैन के रूप में जाना जाता है। वे अपनी दोहरी पहचान बर्क और क्लर्क केट के तहत महानगर शहर में रहते हैं। क्लर्क एक समाचार पत्र कंपनी डेली प्लैंटेन में एक रिपोर्टर और पत्रकार है, और एक साथी पत्रकार लोइस लेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं जिनसे क्रिप्टो ईर्ष्या करता है। यह सोचकर के क्रिप्टो को उसे विचलित करने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत है, क्लर्क उसके लिए एक पशु आश्रय में जाता है। एस नाम का एक बॉक्सर आश्रय से बचने की कोशिश कर रहा है जब क्रिप्टो उसे रोकता है। बाद में सुपरमैन और क्रिप्टो ने एक कट्टर दुश्मन लेक्स कार्प के सीईओ लेक्स लूथर को देखा। एक ट्रैकर बीम के साथ नारिंग क्रिप्टोनाइट के साथ बंधे उल्का में सुपर पावर हासिल करने का इरादा रखते हुए वह आसानी से हार जाता है, क्योंकि दोनों की जस्टिस लीग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस बीच लूलू लेक्सकॉर्प से एक गिनी पिंग प्रशिक्षण विषय आश्रय में भेजा गया नॉरिंग क्रिटोनाइट के एक टुकड़े में अपने ट्रैक्टर बीम के साथ रील करने का प्रबंधन करता है, जो उसे उड़ाने और टेलीकनेक्स देता है।
उससे अनजान आश्रय में हर कोई भी महाशक्तियों का को प्राप्त करता है। ऐसे अब सुपर मजबूत और अवनीश है। पीबी एक पार्ट ब्लेंड सुअर आकार बदल सकता है। मेटर एक नष्ट दृष्ट वाला कछुआ सुपर फास्ट हो जाता है। और चिप एक गिलहरी इलेक्ट्रोकोनिस प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको इस मूवी को यानी कि डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अमेज़न प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को देखने के लिए 499 रुपये यानी कि 499 रुपीज़ पे करना होगा, तभी आप इस मूवी को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें।